तो गाइज वन टैप हेडशॉट मारने के लिए टॉप 5 हिडन ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। बट गाइज देखो यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं, मेरे चैनल के ऊपर गाइज देखो काफी ज्यादा ऐसी वीडियो जिसके कमेंट सेक्शन में ये वाला कमेंट काफी ज्यादा आया है कि DPI की एक ऐसी सेटिंग बताओ जिससे हमारा डिवाइस भी लैग ना हो और हम लोग बिल्कुल एम भी परफेक्ट तरीके से कर पाए। तो यार देखो DPI से रिलेटेड तो मैंने अपने चैनल के ऊपर आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। मैंने गाइज एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को अपने DPI को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। बट जितना गाइज मुझे लगता है ना, बहुत सारे प्लेयर ने यहाँ पर अपने वन टैप हेडशॉट मारने के चक्कर में अपने DPI की सेटिंग को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। अगर गाइज देखो आप भी उनमें से ही हो जिसने DPI की सेटिंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है एंड उनका डिवाइस लैग कर रहा है, या फिर अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी DPI की सेटिंग को नहीं बढ़ाया है एंड एक परफेक्ट रेड नंबर का डैमेज देने के लिए एंड अपनी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या आप लोग को अपनी DPI को बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, और आप लोग को अपने डिवाइस में अपनी DPI की सेटिंग को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे आप लोग का डिवाइस भी लैग ना हो एंड आप लोग का हेडशॉट भी बहुत ही फास्ट लगे। गाइस ये सारी बातें ना आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एंड लिटरली गाइस बोल रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं DPI से रिलेटेड। एंड ये वीडियो गाइस देखो यहाँ पर दो तरीके से खास रहने वाली है। एक तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने DPI की सेटिंग में चेंजिंग नहीं लाए हैं एंड आप लोग अगर चेंजिंग लाना चाहते हैं बढ़िया वन टैप हेडशॉट मारने के लिए, तो गाइस एक उनके लिए ये वीडियो बढ़िया रहेगी कि आप लोग को कितनी चेंजिंग करनी चाहिए। सेकंड में गाइस देखो अगर आप लोगों ने बहुत सारे प्लेयर ने यहाँ पर DPI की सेटिंग में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी कर दी जिसकी वजह से गाइस देखो डिवाइस यहाँ पर बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है एंड लैग करने लगता है, तो इसका भी गाइस मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप लोग को क्या करना है, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो वीडियो गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना जो भी बंदा चैनल के ऊपर नया है। वीडियो गाइस देखो ज्यादा बोरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपनी सेटिंग्स की तरफ एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी ओवरऑल DPI की सेटिंग को जो है वो मेंटेन करना है। तो यहाँ पर गाइस देखो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जिन प्लेयर ने DPI की सेटिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है एंड अगर आप लोग का डिवाइस जो वो काफी लैग कर रहा है, तो गाइस आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक नए तरीके से DPI ऑन करने की सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले तो गाइस देखो आप लोग अपनी पुरानी वाली DPI को ऑफ कर दो, देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से गाइस देखो बारी रहती है उन प्लेयर की भी जिन्होंने अपनी DPI की सेटिंग को अभी तक नहीं बढ़ाया है या फिर वो बढ़ाना चाहते हैं। अब यार देखो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को ना बी क्लियरली एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग अपने DPI की सेटिंग को बढ़ाते हो ना तो इससे यार देखो आप लोग की मूवमेंट स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, आप लोग की पॉइंटर स्पीड भी काफी बढ़िया होने वाली है। बट गाइस देखो यहाँ पर क्या होगा ना, आप लोगों ने अगर अपनी DPI को बहुत ज्यादा दिनों तक बढ़ा के रखा है एंड रेगुलर आप लोग उसे बढ़ा के ही रख रहे हो, तो यार देखो गाइस ना यहाँ पर आप लोग का डिवाइस जो वो बहुत जल्दी हीट हो सकता है एंड लैगिंग प्रॉब्लम आ सकती है। और यार देखो सिर्फ ये लैगिंग प्रॉब्लम गेम में ही नहीं आएगी बल्कि आप लोग अपनी कोई भी ऐप चलाओगे ना, कोई भी मतलब फोन को भी चलाओगे, फिर भी गाइस आप लोग का डिवाइस जो वो लैग करेगा। अब गाइस देखो इसका तोड़ क्या रहने वाला है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपनी DPI की सेटिंग में जाना है, जितना गाइस आप लोग अपनी DPI को बढ़ाना चाहते हो मतलब ज्यादा नहीं बढ़ाना है, आप लोग गाइस देखो इसे 10 से लेके 20% बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सेकंड काम आप लोग का रहेगा आप लोग को बिल्कुल बैक आ जाना है एंड देन उसके बाद आप लोग को अपनी फ्री फायर ऑन करनी है। और गाइस देखो DPI के ऑन रहते हुए जब आप लोग की फ्री फायर ऑन रहेगी ना, तब आप लोग को सिंपली यहाँ पर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाना है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोग की मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होगी। फिर उसके बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की मूवमेंट स्पीड भी बनी रहे एंड आप लोग का डिवाइस भी लैग ना हो, तो आप लोग को सिंपली अपनी गेम को क्या करना है ना, यहाँ से गाइस बैक कर देना है, मतलब बिल्कुल बीच से काटना है एंड बैकग्राउंड में इसे रनिंग पर रखना है, मतलब साइड से नहीं हटाना है। फिर उसके बाद आप लोग को अपनी DPI की सेटिंग में दोबारा से आना है, फिर यहाँ पर आके आप लोग को अपनी DPI को ऑफ कर देना है, मतलब DPI को आप लोग को नॉर्मल कर देना है, उसे बढ़ाना नहीं। अब इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देखोगे ना एक ट्रिक है, गाइस ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप लोग जब गेम के अंदर वापस आओगे तो देखोगे आप लोग की मूवमेंट स्पीड कम नहीं हुई होगी, आप लोग की गेम प्ले चलेगी बिल्कुल उसी DPI पे जो आप लोगों ने पहले बढ़ाई हुई थी। बट रियलिटी में गाइस यहाँ पर आप लोगों की DPI नहीं बढ़ी होगी, मतलब आप लोगों के डिवाइस को कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो गाइस ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप लोग एक बार ट्राई जरूर से करना। गाइस देखो ये ट्रिक ना वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है एंड ये सिर्फ एक अकेली ट्रिक है जिससे आप लोग का डिवाइस भी लैग नहीं होगा, आप लोग की मूवमेंट स्पीड भी आप लोग के DPI की तरह बढ़ने वाली है। तो आई होप गाइस आप लोग ये सेटिंग को समझ गए होंगे एंड अप्लाई भी जरूर से कर लोगे। बाकी यार देखो आप लोगों को DPI को ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं ज्यादा बढ़ाना चाहिए, मतलब आप जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताइए यही वाली ट्रिक फॉलो करना, अदरवाइज गाइस आप लोग क्या करोगे ना, अगर ये ट्रिक फॉलो नहीं करते तो आप लोग का डिवाइस देखना यार गाइस धीरे धीरे काफी ज्यादा लैग करने लगेगा एंड आप लोग का डिवाइस खराब भी हो सकता है। सो आई होप आप लोग वीडियो समझ गए होंगे, मैंने आप अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड गाइस देखो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में भी जरूर से लिखना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जय श्री राम, राधे राधे।